जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल्स में देख लिया है, मध्य प्रदेश में लगाया गया कोरोना कर्फ्यू। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया, यानी कि कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। और वो कहाँ पर लगाया गया है वो देख लेते हैं दोस्तों। सतना के चित्रकूट में 2 दिन के लिए कड़ी पाबंदी। यहाँ आरएसएस का चिंतन शिविर भी है और अमावस्या पर मेला लगता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया, यानी कि कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूरी इन्फॉर्मेशन को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सतना जिले के चित्रकूट में 2 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। कलेक्टर ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। अमावस में भीड़ एकत्रित होने पर आरएसएस की बैठक को देखते हुए कलेक्टर ने चित्रकूट के मध्य प्रदेश वाले हिस्से में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। कोरोना कर्फ्यू 2 दिन तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान चित्रकूट में आमजन प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट वाले हिस्से से लोग आवाजाही कर सकेंगे। तो दोस्तों अमावस्या के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदाकिनी और पयूषणी नदी में स्नान करने आते हैं। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने आम लोगों की एंट्री को प्रतिबंधित कर दिया, जिससे भीड़ न जुट सके। तो दोस्तों यहां पर 2 दिन का रहेगा कर्फ्यू। चित्रकूट में अमावस्या में भारी भीड़ के कारण कोविड के सुपर स्प्रेड की आशंका को देखते हुए 8 जुलाई 2021 दोपहर 3 बजे से 10 जुलाई शनिवार सुबह 6 बजे तक चित्रकूट में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। इस दौरान लोक सेवा वाहन बस और चित्रकूट के स्थानीय वाहनों के अलावा बाहर से आने वाले प्रत्येक वाहन का प्रवेश निषेध रहेगा। तो दोस्तों इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सतना के द्वारा, जिला कलेक्टर सतना के द्वारा यहाँ पर आदेश जारी कर दिए हैं, जो कि लॉकडाउन 2 दिन का रहने वाला है। 8 जुलाई को दोपहर के 3 बजे से लेकर 10 जुलाई को सुबह 6 बजे तक यहाँ पर लॉकडाउन रहने वाला है। पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।